वेरी गुड मॉर्निंग। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको रोड्स इन ब्रिटिश पीरियड तक बता दिया था। चलिए उसके आगे चलते हैं। मैकेडम मेथड, जॉन मैकेडम 1756 से 1836 तक ये रहे। ये इंग्लैंड के थे और ये सर्वेयर जनरल थे, सर्वेयर जनरल ऑफ रोड्स इन इंग्लैंड। इन्होंने रोड डेवलपमेंट के बारे में बात की। ये सबसे पहले इन्होंने सोचा कि यार इतना लोड तो इस पे नहीं आता जितना मोटा हम थिकनेस बनाते हैं, तो सिंपल इट इज वेस्टेज। देखिए रिमेंबर इट, इंजीनियरिंग के साथ साथ हमें ये देखना है वेस्टेज ऑफ रिसोर्स इज क्राइम। आप रिसोर्सेस का जबरदस्ती, जहां जहां थोड़े से मटेरियल में काम चल जाता है वहां ढेरों मटेरियल डाल दें, आपने रिसोर्सेस वेस्टेज कर दें, किसका है। तो जॉन मैकेडम साहब ने जो है एक नया मेथड डेवलप किया, और एक्चुअली दिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंप्रूव द रोड कंडीशन वाज मेड बाय हिम। मैकेडम वाज सर्वेयर जनरल ऑफ रोड इन इंग्लैंड एंड हिज न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन बिकम नोन by year 1827, the important modifications made in McAdam's method are given. क्या क्या मैकेडम महोदय ने क्या क्या किया? The soil subgrade being the lowest portion of pavement. देखिए ये subgrade, grade, base, subbase, bearing course, ये classification जो different layers हैं road की, ये आपको बताएंगे। अभी तो सिर्फ आप नाम जान लीजिए, जब आपका क्लास चलेगा आगे आगे तो बताऊंगा कि कहाँ सब बेस होता है, कहाँ सब ग्रेड होता है, कैसी कैसी तमाम चीजें हैं। तो द सॉयल सब ग्रेड बीइंग द लोएस्ट पोर्शन ऑफ पेमेंट, ये समझ लीजिए सबसे नीचे का जो पेमेंट पार्ट है वो सॉयल सब बेस होता है। सॉयल सब बेस बीइंग द लोएस्ट पोर्शन ऑफ पेमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड प्रॉपरली एंड कैप्ट ड्रेन सो एज टू कैरी लोड ट्रांसमिटेड थ्रू द पेमेंट। Therefore, the subgrade was compacted and well prepared with a cross slope of 1:36. इन्ने मैकेडम महोदय ने ये स्टडी की कि अगर रोड पे पानी भरा, देखिए ये स्टडी आज भी रेलेवेंट है कि अगर रोड पे पानी भरा तो रोड बेकार, रोड खत्म हो गई। तो पहले जो हम बनाते थे विदाउट ग्रेडियंट, कैम्बर एम्बर कुछ नहीं देते थे रोमन रोड्स में, सीधा सीधा रोड बना देते थे। लेकिन मैकेडम महोदय ने बताया कि नहीं, अब आप कैम्बर दीजिए रोड को, जैसे क्रॉस स्लोप ऐसा सीधा तो नहीं रहता रोड का सरफेस, आपने देखा होगा बीच में ऊंचा रहता है, किनारे दबे रहते हैं, कैम्बर कहलाता है। तो ये जो ग्रेडियंट है सेंटर से, इनने रिकमेंड किया कि 1:36 का ग्रेडियंट दे दीजिए, क्रॉस स्लोप दे दीजिए। सेकंड इनने सजेस्ट क्या दिया, ही सजेस्ट दैट हैवी फाउंडेशन स्टोन्स आर नॉट एट ऑल नेसेसरी। मैकेडम महोदय पहले आदमी थे रोमन रोड्स में, सबसे पहले क्या करते थे, नीचे बड़े बड़े पत्थर रखे, बोल्डर रखे, हमारे पुराने रोड जो शेरशाह सूरी और काफी पुराने रोड बने हुए थे उनको खोद के देखिए नीचे बोल्डर निकलते हैं। मैकेडम ने सबसे पहले बोला कि हैवी फाउंडेशन स्टोन्स आर नॉट एट ऑल नेसेसरी टू बी प्लेस्ड एट द बॉटम लेयर ऑफ कंस्ट्रक्शन। ही सजेस्टेड दैट इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग लार्ज फाउंडेशन स्टोन, small size broken stones shall be spread over the prepared soil subgrade and compacted. Soil subgrade कैसे इन्हें compact किया? पहले मिट्टी खोदी और उसको पहले कुटाई कर दी, 1:36 का स्लोप दे दिया ताकि जो पानी बाहर से आ रहा है ingress होके वो पानी निकल जाए। फिर हम लोग क्या करते थे कि बड़े बड़े बोल्डर, बोले नहीं बड़े बड़े बोल्डर नहीं रखना है, ग्रेडिंग 75 mm साइज से ज्यादा की ग्रेडिंग, 100 mm साइज ग्रेडिंग, छोटे छोटे पत्थर रखिए, बड़े बोल्डर मत रखिए, और उसकी कुटाई करिए, कंपैक्शन कर दिए। सिमिलरली द नेक्स्ट लेयर ऑफ पेमेंट वाज आल्सो कंस्ट्रक्टेड। एक लेयर के बाद दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, लेयर्स में कंस्ट्रक्शन की बात की। ओवर दिस लेयर द स्मॉल ग्रो, और हर बार ऊपर जो है पत्थर की साइज छोटी होती जा रही। दो द टोटल थिकनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज लेस देन प्रीवियस मेथड। जो जो मैंने बोला था रोमन रोड्स में 0.75 से 1.2 मीटर की जो थिकनेस थी, इसमें हमारी बहुत कम थिकनेस हो गई। दिस टेक्निक कुड सर्व एज ए कैरिज वे इन ए वेटर वे ड्यू टू इंप्रूव्ड लोड डिस्पर्शन
characteristic of compacted broken stone aggregates of smaller size. इनने सबसे पहले grain effect निकाला, जो load transfer होता है slab action और grain action. McAdam ने ये जो है grain transfer, load का grain transferring पे बात की. वो ये उनने ये कहा कि अगर आप बड़े पत्थर डालेंगे तो उस स्थान पे छेद गड्ढा पहले होगा, बिकॉज ऑफ बड़ा पत्थर स्ट्रेस कंसंट्रेशन का काम करेगा. छोटे छोटे पत्थर डालें, द साइज ऑफ ब्रोकन स्टोन्स टू द टॉप लेयर वाज डिसाइडेड बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी अंडर एनिमल ड्रॉन व्हीकल्स. जो किस साइज का पत्थर डालना है फिर ऊपर के स्टेबिलिटी के ऊपर जाता है. द पेवमेंट सरफेस वाज आल्सो प्रिपेयर्ड विद ए क्रॉस स्लोप ऑफ 1:36. जो ऊपर का सरफेस था टॉप लेयर, वो भी हमने स्लोप में बनाया 1:36 के. इट वॉज रियलाइज दैट स्ट्रेसेस ड्यू टू व्हील लोड ऑफ ट्रैफिक गेट डिस्पर्स्ड एट लोअर लेयर ऑफ द पेवमेंट एंड देयरफॉर इट इज नॉट नेसेसरी टू प्रोवाइड लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग बोल्डर्स. वो ये बोल रहे हैं कि ऊपर लोड ज्यादा होता है, नीचे लोड फैलता 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 वाइडर एरिया में लोड इंटेंसिटी, लोड तो वही रहता है, इंटेंसिटी कम हो जाती है, लोड इंटेंसिटी कम हो जाती है, तो अब हमें बड़ा बड़े पत्थरों की जरूरत. फाउंडेशन और सोलिंग कोर्स ऑफ लोअर लेयर, कोई बड़े बड़े पत्थर और स्ट्रॉन्ग पत्थर की जरूरत नहीं है हमें. दिस मेथड बिकम्स वेरी पॉपुलर. बहुत चला ये मेथड भाई, अभी तक चल रहा है. रोड डेवलपमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग 20th सेंचुरी, ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भारत ने भी तरक्की करी भाई. अंग्रेज आ गए थे हमारे यहाँ भी, कारें वारें आई तो हमारे यहाँ भी तरक्की की बात चली. पहले तो राजा रजवाड़े बनवाते थे, अंग्रेजों ने भी अपने लिए रोडें बनवाई सिर्फ वहां जहां पर उनके उन्ने साहब जो है बिजनेस देखना था. तो कैसे डेवलपमेंट हुआ, आइए इस पर डिस्कस करते हैं. ड्यूरिंग द सेकेंड डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, सून आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार 1917 के आसपास हुआ था. मैं सिविल इंजीनियर हूँ, इतिहासकार नहीं हूँ, थोड़ा सा है, तो उसी के आसपास हुआ था 1917. सून आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार द मोटर व्हीकल्स यूजिंग द रोड इन इंडिया आल्सो इंक्रीज्ड एंड दिस डिमांड बेटर रोड्स. जब हमारे यहाँ गाड़ियां वाड़ियां चलने लगी, अब रथवथ की कहानी खत्म हो गई, हमारे यहाँ भी लोग कारें लेके आ गए, तो अब हमें रोड की जरूरत. हम क्या लेके आए, अंग्रेज लेके आए. हाउएवर द रोड्स दैट एग्जिस्ट व्हेन द देन द वाटर मैकेडम, वाटर बाउंड मैकेडम, WBM रोड्स थे. इनके टॉपिंग बहुत कम थी, डामर आमर वगैरह नहीं बनाते थे, WBM रोड बनाते. सरफेस एंड अदर इंफीरियर सरफेस we are not able to withstand mixed traffic consisting of slow moving vehicles and motor vehicles. देखिए आपने WBM road बना दिया. WBM road सीधा गिट्टी वाला, मतलब गिट्टी बिछाई, उसके ऊपर मुरम बिछाई, पानी बिछाया, रोलर चला दिया, रोड बन गया. अब उसमें होता क्या था कि आप बैलगाड़ी वगैरह चलाएंगे तो उखड़ जाती है, कार चलाएंगे तो इतनी धूल उड़ती है तेजी के साथ, वो सूटेबिलिटी नहीं थी. तो ये देखा गया कि साहब अब इनके ऊपर डामर करना पड़ेगा, नए रोड बनाने पड़ेंगे, नए तरीके से बनाने पड़ेंगे, तो पैसा लगेंगे. तो इनने क्या किया कि ए रेजुलेशन वाज पास्ड इन बोथ चैंबर्स ऑफ इंडिया, इंडियन लेजिस्लेचर इन ईयर 1927. भारतीय संविधान सभा ने 1927 में एक रेजुलेशन पास किया कि साहब एक रोड डेवलपमेंट के लिए कुछ किया जाए. बोले क्या किया जाए, बोले कमेटी बना दीजिए. तो अपॉइंटेड ए कमेटी टू एग्जामिन and report the questions of road development in India. बोले ये कमेटी देखेगी कि भाई कैसे रोड बनाना है, कितने रोड बनाना है, क्या रोड के सारे. The response of the resolution, a road development committee was appointed by the government in 1927 with M.R. Jaikar as the chairman. Jaikar committee कहलाती है. इस चीज को याद रखिए, ये भारतीय इतिहास में, रोड के इतिहास में, करंट रोड के इतिहास में ये मील का पत्थर. 1927 में जेकर कमेटी बनी थी. तो जेकर कमेटी ने अपने रिकमेंडेशंस दिए और सौभाग्य से सारे रिकमेंडेशंस इसके एक्सेप्ट कर दिए. जेकर कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट्स बाय ईयर 1928. 1927 में बनी थी, आजकल जैसी कमेटी नहीं थी, 5-5 साल तक कमेटियां चलते रहती हैं. 1927 में बनी, 1928 में उन्होंने रिपोर्ट दी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस मेड बाय कमेटी आर,
कौन कौन से उन्होंने रिकमेंडेशंस बनाए, दी रोड डेवलपमेंट इन ए कंट्री शुड बी कंसिडर्ड एज नेशनल इंटरेस्ट एज दिस हैज बिकम बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज। नेशनल इंटरेस्ट की बात आई, बोले रोड बनाना, अब बोले नेशनल इंटरेस्ट का काम हो, केंद्र सरकार बनवाएगी रोड, उसके लिए एक अलग से फंड जनरेट होगा। अब ये लोकल राजा रजवाड़े और ये इनके बस की बात नहीं है रोडें बनवाना। दूसरा उन्होंने बोला, बोले नेशनल इंटरेस्ट पे बनाएंगे। दूसरा इन्होंने बोला एन एक्स्ट्रा टैक्स शुड बी लेवी ऑन पेट्रोल, ये इनका दूसरा रिकमेंडेशन। कहां से भाई रोड बनाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कहां से आएगा? बोल एक्स्ट्रा टैक्स लेवी ऑन पेट्रोल फ्रॉम द रोड यूजर्स टू डेवलप ए रोड डेवलपमेंट फंड कॉल्ड सेंट्रल रोड फंड। फिर इसके बाद रोड टैक्स लगा दिया। तीसरा रिकमेंडेशन था इनका कि ए सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी शुड बी फॉर्म्ड टू पूल टेक्निकल नॉलेज हाउ फॉर्म वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्रीज, अलग अलग देशों में अलग अलग क्या नियम कानून होने चाहिए, कैसे रोड बनेंगे। बोले इसके लिए एक कमेटी बनाओ और एक कमेटी बनाइए रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो रिसर्च कर। तो जयकर साहब के सारे कमेंट्स जो रिकमेंडेशंस थे वो स्वीकार कर लिए गए। मोस्ट ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ जयकर कमेटी वाज एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड द मेजर रिकमेंडेशंस वेयर इंप्लीमेंटेड सब्सिक्वेंटली। द सेंट्रल रोड फंड, वो जो उन्होंने टैक्स के ऊपर लगाया था, सेंट्रल रोड फंड क्रिएट हुआ, वाज फॉर्मड इन 1929। द सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी कॉल्ड इंडियन रोड कांग्रेस वाज फॉर्मड इन 1934। And the Central Road Research Institute was started in year 1950. Okay? चलिए बाकी का कल बात करेंगे अपन।